हरियाणा से अभय सिंह चौटाला का बयान आया कि 25 सितंबर को हनुमान बेनीवाल को जो परिवर्तन पदयात्रा के समापन पर बुलाया जाएगा, तो क्या आप जाओगे सर? अब क्या जाऊंगा मैं, पक्का। पिछली रैली मिस कर दी थी मैंने, क्योंकि हरियाणा के अंदर पे वो व्यक्ति लड़ाई लड़ा किसान आंदोलन में। विधायक का पद उन्होंने छोड़ा, हमने सांसद का पद छोड़ा, वो NDA सत्ता छोड़ी, बादल परिवार ने छोड़ा। इन जिन लोगों ने किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ी, उन लोगों को आज अगर हमारी आवश्यकता है वो हमें पुकार रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। हरियाणा में कांग्रेस है मेरा 36 का आंकड़ा, BJP से है नहीं, दूसरी नई पार्टी है ना जिसका अब ये लास्ट है, उसका कोई दुकानदारी नहीं उसकी आगे, वो और चौथी अभय सिंह चौटाला। तो मैं अभय सिंह चौटाला की रैली में जरूर जाऊंगा। गठबंधन भी समझा जाए मोदी के खिलाफ जो गठबंधन में शामिल होंगे उसमें, अगर राहुल प्रियंका नेता हुआ तो मैं नहीं हूँगा, और राहुल प्रियंका अगर नेता हुआ तो गठबंधन में शामिल नहीं होगा, और इनके अलावा थर्ड फोर्सेज का लीडर हुआ तो पक्का ही शामिल होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। किसान हर बार खरीद और आसपास के नेता इस सरकार को चला रहे, उससे लग रहा है कि इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं। राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन कहां बैठ, इनको मतलब सरकार बचाने से, यही गहरोत का रह गया सारा। जिस तरह पेपर लीक की घटना है, कौन लड़ रहा है सड़क पे? BJP थोड़ी लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं सड़क पे। स्टेट में भी तीनों विधायक और दिल्ली के अंदर कौन लड़ रहा है? 24 MP मोदी की जय जयकार, 1 MP राजस्थान की जय जयकार कर रहा है। ERCP का मामला हो, चाहे टिड्डी का हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे आपका अग्निपथ हो, चाहे किसान हो, एक ही व्यक्ति है जो MSP खरीद का जो एक ही व्यक्ति राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ रहा है। तीनों विधायक यहाँ लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई रात कैंप को लेकर गहलोत कह रहे हैं, महंगाई बिजली के बढ़ाए जा रहे हैं। गहलोत तो इसलिए कह रहे हैं भाई राहुल गांधी और खुश रहे उससे, ये खुश रहे, बीच में नहीं हटा रहे उनको, इसलिए वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं लोगों को कि अंतिम शासक मैं हूँ, मेरे बाद कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। लोग ये याद करें कि अशोक गहलोत था जब तक कांग्रेस थी, वो गया तो कांग्रेस चली गई, इसलिए वही सारा काम। रूपाणी हमारे कैसे दे सकते हैं, इधर राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि कैसे न कैसे तरके इस आंदोलन को हम समाप्त कराएं, तो वो भी अपना प्रयास करिए, हर गवर्नमेंट अपना प्रयास करती। हमारा मकसद यही है कि यहाँ के किसानों को पूरा पानी मिले, हमारी फसलें खराब नहीं हो, जो बिजाई हो रही है समय पे हो, उनको पानी मिले। तो एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री जी से हम बात कर रहे हैं, बैठ के हम सारे डेलीगेशन टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, अगर फोन पे सहमति बन जाती तो अभी एक बार घोषणा कर देंगे। घोषणा ये लोग करेंगे जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनको समर्थन देना आया हूँ। NDA भी, ये जब लोग आए थे NDA भी मैंने ऐसे ही छोड़ी थी, इनके लिए सत्ता छोड़ दी मोदी की। किसान जवान की जहाँ भी बातें आती है हनुमान बेनीवाल हमेशा इनके साथ खड़ा था, और अगर आवश्यकता पड़ी और वो कहते थे मैं डेलीगेशन आप लेके आ जाओ तो हम चंडीगढ़ या भटिंडा आजकल के अंदर जाके, और हम ये चाहेंगे कि दोबारा हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को जब तक भगवंत मान मुख्यमंत्री है तब तक उनको सड़क पर नहीं बैठना पड़े। पूरा पंजाब राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब सरकार हमें देती है, इसके लिए माया किसान नेता उन्हें जो बात करी नहीं, एक मिनट अभी सुनो, जैसे इन्होंने कहा